हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कॉमन कोल्ड के बारे में। मतलब अगर किसी को जुकाम हो जाता है तो इसका इलाज क्या होता है, इसको ठीक करने वाली कौन कौन सी कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन होते हैं। इन चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत सारी अलग अलग प्रकार की दवाइयों को मिला करके दिया जाता है, जिससे पेशेंट को आराम मिल जाए। तो वो सारी दवाइयाँ कौन कौन सी होती हैं, वो सारी दवा के बारे में एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। अब दोस्तों, आप लोगों को एक बात तो इतना पता है कि अगर किसी को जुकाम हो जाता है, जुकाम कभी ना कभी आपको भी होगा, तो जुकाम होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। देखिए, अगर किसी को जुकाम हो जाता है तो सबसे पहली बात, बहुत ज़्यादा छींक आएगा, उनके नाक से पानी बहने लगेगा, गला भी खराब होने लगता है, नाक जाम होने लगता है। अब इतना ज़्यादा जब छींक आता है तो इसकी वजह से हेडेक भी देखा जाता है, सर में दर्द भी देखा जाता है सीजिंग होने के कारण, और टेम्परेचर भी हम लोगों का बढ़ने लगता है अगर जुकाम हो जाता है तब। तो ये तो बहुत ही बेसिक बात है जो कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, क्योंकि आप लोगों को भी कभी ना कभी जुकाम हुआ ही होगा। तो जुकाम होने पर यही सारे लक्षण देखे जाते हैं, कुछ अलग दूसरे में लक्षण नहीं देखा जाता है, सब में यही सारे लक्षण देखे जाते हैं। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को। अब देखिए, अब ये जुकाम अगर किसी को हो गया है तो इसको ठीक करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, इसका क्या होता है इलाज, इसी के बारे में पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर एक एक करके सारी दवा के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहला मेडिसिन है क्लेवम 625। अब देखिए, ये जो क्लेवम 625 है, जिसका साल्ट नेम है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैलोनेट टैबलेट। दोस्तों, ये एक प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जो कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं। तो सबसे पहला मेडिसिन एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया आता है जो कि क्लेवम 625 के नाम से ये मेडिसिन फेमस होता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में दो बार दिया आता है, वो भी दोस्तों खाना खाने के बाद इसको दिया आता है। ये बातें हो गई किसके बारे में, क्लेवम 625 मेडिसिन के बारे में जो कि एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में, किसके साथ साथ और कौन कौन सी दवाइयाँ दिया आता है। जैसे कि दोस्तों, अगला जो मेडिसिन दिया आता है वो दिया जाता है सिट्रीजीन टैबलेट। अब ये सिट्रीजीन टैबलेट क्या होता है, सबसे पहली बात, डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा बनाया गया ये मेडिसिन, तो ये मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन है, जेनरिक मेडिसिन ये नहीं है। अब हम दोस्तों बात करें, ये सिट्रीजीन मेडिसिन जो है, जो कि ये सिट्रीजीन के नाम से फेमस होता है, जिसका साल्ट नेम है सिट्रीजीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, ये एक प्रकार के एंटी एलर्जिक मेडिसिन होते हैं। ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन होते हैं जो कि दोस्तों एलर्जी को ठीक करने के लिए दिया जाता है। अब मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा सीजिंग आ रहा है, मतलब छींक आ रहा है, नाक से पानी गिर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए ये मेडिसिन दिया जाता है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन। तो सबसे पहला क्लेवम 625, फिर दूसरा आप लोगों को मेडिसिन बताएं वो बताएं सिट्रीजीन मेडिसिन। ये दोनों दवा के बारे में आपको बता दिए हैं। अब इसी के साथ साथ कुछ और भी दवाइयाँ दिया जाता है, चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। एकदम जो दवा दिया जाता है एकदम सिम्टम के बेसिस पर ही दिया जाता है। अगर आप नए छात्र हैं तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि पेशेंट को क्या हुआ है। अगर आपको कोई पेशेंट आता है बताता है कि हमको जुकाम हुआ है, तो उनके अंदर क्या क्या लक्षण देखा जा रहा है, नाक बहेगा, गला खराब हो जाएगा, नाक जाम हो जाएगा, नाक से पानी निकलेगा, सर में दर्द होगा, छींक आएगा, टेम्परेचर भी बढ़ना देखा जाता है। तो यही सारे लक्षण देखे जाते हैं ना, कुछ अलग तो नहीं ना देखे जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एंटीबायोटिक मेडिसिन दिए जाते हैं, जस्ट इसी के साथ साथ दोस्तों एंटी एलर्जिक मेडिसिन दिए जाते हैं जो कि एलर्जी को ठीक करना, नाक जाम हो गया है, नाक से पानी निकल रहा है, बहुत ज़्यादा सीजिंग आ रहा है, छींक आ रहा है, आँख से पानी निकल रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ये रोकने का काम करता है सिट्रीजीन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है। इसी तरह से दोस्तों हम बात करें इनका डोज क्या होता है, डोज एकदम सेम होता है जैसे क्लेवम 625 का है, सेम टू सेम इसका भी वही डोज है, एक टैबलेट दिन भर में दो बार खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद इसको खाया जाता है। इसी तरह से दोस्तों हम बात करें अगले मेडिसिन के बारे में, किसी के साथ साथ कौन सा मेडिसिन और दिया जाता है, तो अगला जो मेडिसिन है वो है डेकाडान मेडिसिन। अगर हम बात करें इसका जो साल्ट नेम है वो है डेक्सोमेथासोन टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। ये एक प्रकार के स्टेराइडल मेडिसिन होते हैं जो कि दवा को पावरफुल बनाने का काम करते हैं, जिससे पेशेंट को अच्छे से आराम मिल जाए, इसीलिए उन दवाइयों के साथ में इसको भी मिला करके दे दिया जाता है डेकाडान मेडिसिन। समझ में आया ना आप लोगों को। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो इनका भी दोस्तों डोज एकदम सेम होता है, एक टैबलेट दिन भर में दो बार खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद खाया जाता है। ठीक, डोज में आप लोग बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होना कि डोज में क्या लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया है। नए छात्र हमेशा याद रखना, ये शॉर्ट वर्ड में लिख देता हूँ, ओडी हो गया, बीडी हो गया, टीडीएस हो गया, क्यूआईडी हो गया, एसओएस हो गया, एएम हो गया, बीएम हो गया, ये सारी
शॉर्ट वर्ड है, मेडिकल टर्म है, आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि ओडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में एक बार खाना है, बीडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में दो बार खाना है, टीडीएस का मतलब होता है दवा को दिन भर में तीन बार खाना है, क्यूआईडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में चार बार खाना है, एसओएस का मतलब होता है जब जरूरत पड़े तब खाना है, वैसे डेली नहीं खाना है। जैसे कि मान लीजिए घर में आप पैरासीटामॉल मेडिसिन रखे हुए हैं, तो क्या डेली पैरासीटामॉल खाते रहते हैं जब तक पूरा डिब्बा खत्म नहीं हो जाता है? नहीं दोस्तों, जब घर में किसी को बुखार होता है तब वो मेडिसिन को दिया जाता है। तो इस तरह की दवाइयाँ एसओएस मेडिसिन होते हैं। एएम का मतलब होता है आफ्टर मील, मतलब दवा को खाना खाने के बाद खाना है। बीएम का मतलब होता है बिफोर मील, मतलब दवा को खाना खाने के पहले खाना है। तो ये कुछ शॉर्टकट मेडिकल के टर्म होते हैं जो कि आप लोगों को पता ही रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए डेकाडान मेडिसिन में एक टेबलेट बीडी खाना है, वो भी आफ्टर मील खाना है। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक टेबलेट दिन भर में दो बार खाना है, वो भी खाना खाने के बाद। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ, जिस बुक का नाम है ए टू जेड मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपए। ये बुक आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल आना है। तो ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों को तीन मेडिसिन के बारे में केवल बताए हैं, अभी और भी बताऊंगा किसके साथ साथ कौन कौन से दिए जाते हैं। सबसे पहला मेडिसिन क्लैवम 625 मेडिसिन के बारे में बताएं, जो कि एक प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन है। दूसरा मेडिसिन आपको बताएं एंटी एलर्जिक मेडिसिन के बारे में, जो कि है सिट्रीजीन, जो कि एक प्रकार के एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। तीसरा मेडिसिन आप लोगों को बताया है डेकाडान के बारे में, जो कि ये दोस्तों मेडिसिन है एक प्रकार के स्टेराइडल मेडिसिन है। ठीक, ये तीन मेडिसिन के बारे में आपको बताएं, और इसी तरह से इसी के साथ मिला करके कुछ और भी दवाइयां दिया जाता है। जैसे कि अगला मेडिसिन है वो है कंबीफ्लाम टैबलेट। कंबीफ्लाम टैबलेट में आप लोग देखिए दो चीज़ पाए जाते हैं, अगर आपके पास कंबीफ्लाम नहीं है तो भी आप कॉम्बिनेशन वाले में डाइक्लो एंड पैरा दे सकते हैं। ठीक, आइबोप्रोफेन इसमें मिला हुआ है और पैरासीटामॉल मिला हुआ है कंबीफ्लाम में। कंबीफ्लाम का काम होता है ये पेन को ठीक करने का काम करता है, प्लस फीवर मतलब हमारे टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है, और ये पेन को भी ठीक करने का काम करता है। तो इस मेडिसिन का दो काम होता है, दर्द और बुखार दोनों चीज़ों को ठीक करने का काम करता है, जो कि ये मेडिसिन सनोफी कंपनी के द्वारा ब्रांडेड मेडिसिन होता है, जो कि इसके द्वारा ये बनाया गया है। बात करें इसका यूज क्या होता है, अगर किसी के सर में दर्द हो रहा है, किसी के शरीर में दर्द हो रहा है, हेडेक मतलब होता है सिर में दर्द होना, बॉडी पेन मतलब शरीर में दर्द हो रहा है, फीवर का मतलब होता है बुखार होना, तो अगर किसी को ये दिक्कत है, तो अगर किसी को जुखाम होता है तो ये तो लक्षण देखा जाता है, बहुत ज़्यादा छींक आने के कारण सर में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, बुखार हो जाना, ये सारे लक्षण देखे जाने लगते हैं। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इन दवाइयों में कंबीफ्लाम मेडिसिन को भी मिला करके दे दिया जाता है। इनका डोज क्या होता है, सेम टू सेम इनका भी वही डोज होता है, एक टेबलेट खाना है, दिन भर में दो बार खाना है, वो भी खाना खाने के बाद खाना है। बात समझ में आया ना आप लोगों को? तो ये बातें हो गई कंबीफ्लाम मेडिसिन के बारे में, जिसमें आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामॉल ये दो चीज़ इसमें मिले हुए होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। तो अभी तक आप लोगों को बताएं हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन में क्लैवम 625 मेडिसिन को दिया जाता है, दूसरा आपको बताएं सिट्रीजीन मेडिसिन के बारे में, जो कि एलर्जी का दवाइयाँ होता है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है, तीसरा आप लोगों को बताएं हैं डेकाडान मेडिसिन के बारे में, और चौथा दोस्तों आपको बताएं हैं कंबीफ्लाम मेडिसिन के बारे में। तो ये तीन चार प्रकार के मेडिसिन कॉम्बिनेशन वाले जब आप मिला करके पेशेंट को देख रहे हैं, तो क्या पेशेंट के अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ मिला करके पेशेंट को गैस की दवा भी दे देना चाहिए, जिससे आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए दोस्तों रेनिटिडिन मतलब एसी लाख 150 mg को मिला करके दे दिया जाता है। इसके लिए भी आपको एक फार्मूला बता दें, बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि एसी लॉक में तो टिडिन नहीं आया हुआ है, तो यहाँ टिडिन थोड़ी, मैंने आपको बताया है कि दवाइयों के नामों में नहीं कन्फ्यूज होना है, दवाइयों के साल्ट नेम हमें पढ़ना है, क्योंकि हम मेडिकल स्टूडेंट हैं, हमें सारी दवा के बारे में जानकारी लेना है, तो कुछ तो ट्रिक होना चाहिए। तो इसके लिए भी एक ट्रिक बताया था आप लोगों को कि किसी भी दवा के नाम के लास्ट में TIDI यानी टिडिन आ जाए तो वो दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होती, जैसे कि रेनिटिडिन, सिमिटिडिन, नाइजाटिडिन, तो सब में टिडिन आ रहा है। जैसे कि एक और बताया था कि गैस की दवाइयों में जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में PRAZOLE प्राजोल आता है तो वो भी दवाइयाँ गैस की होती हैं, जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, राइबेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, तो सब में प्राजोल आ रहा है, तो ये भी सारी दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होती हैं। तो इस तरह से हमें ट्रिक याद करना है साल्ट नेम के बेसिस पर, हमें दवाइयों के नामों में ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें पढ़ते ही बता देना है कि ये दवा का ये काम होता है। ठीक, तो ये गैस की दवा को भी इसमें मिला करके दे दिया जाता है। अगर हम बात करें इसका डोज क्या होता है, तो सेम टू सेम जैसे वो कॉम्बिनेशन वाले दवा का डोज होता है, उसी तरह से इसका भी डोज होता है, एक टेबलेट खाना है, दिन भर में दो बार खाना है, वो भी खाना खाने के बाद उन दवाइयों के साथ इसको भी खा लेना है।
ये बात समझ में आया ना आप लोगों को। ये बातें हो गई किसके बारे में, 80,150,000 के मेडिसिन के बारे में। और इसी के साथ साथ विटामिन सी टैबलेट को भी दे देना चाहिए, जो कि एबोट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, लिम्सी के नाम से फेमस होता है। इसको केवल और केवल दिन भर में एक बार ही खाना है, सुबह के टाइम, वो भी खाना खाने के बाद। सुबह में आप खाना खाने के बाद एक टैबलेट, इसको जैसे टॉफी नहीं होता है उसी तरह से इसको खाया जाता है, ये ऑरेंज फ्लेवर का होता है, तो इसको टॉफी की तरह, च्यूएबल टैबलेट होता है, इसको चबा चबा करके टॉफी की तरह खाया जाता है। ये बात समझ में आया। तो ये सारी की सारी बात हो गया, अगर किसी को जुकाम हो जाता है तो इस जुकाम को ठीक करने के लिए ये सारी दवाइयाँ दिया जाता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे इनका पीडीएफ दे दीजिए, तो इसका ये कर दीजिए। तो दोस्तों, इसमें पीडीएफ की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बस इसमें आपको एक लाइन में ही लिख देना है कि जुकाम के इलाज के लिए सबसे पहला मेडिसिन एंटीबायोटिक मेडिसिन में क्लेवन 625 मेडिसिन दिया जाता है, दूसरा सिट्रीजिन एलर्जी को ठीक करने के लिए दिया जाता है, तीसरा मेडिसिन डेकाडन स्टेराइडल मेडिसिन को दिया जाता है, चौथा मेडिसिन आपको कंबीफ्लाम के बारे में बताएं, पांचवा मेडिसिन आपको बताएं 80,150,000 को दिया जाता है, और साथ ही साथ आप उसी में एक बार दिन भर में केवल एक बार खाने के लिए विटामिन सी को भी दे सकते हैं। तो इसी तरह से लिखना है, आपको समझ में आ जाएगा। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपना फीडबैक जरूर देना, क्योंकि आपके कमेंट को ही एक पढ़ता हूं। आपको तो यहां पर ऑनलाइन देख नहीं पाऊंगा, बस आपका कमेंट केवल दिखता है, तो जरूर आप कमेंट के बताया करिए। और एक बात, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं, जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी। लेकिन देखिए, बहुत सारे फेक आईडी भी बने हुए हैं, तो उसको फॉलो करना, जिसमें मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूं, ठीक, जिसमें 1000 फॉलोअर भी होने वाले हैं, 900 से ज्यादा हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।